कहता है अगर कोई वेक्टर है, आसान आसान क्वेश्चन आया है, अगर कोई वेक्टर ए है उसमें मैं एक जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा नहीं, ठीक है। आपने किसी वेक्टर से किसी स्केलर में मल्टीप्लाई किए हैं, तो जब कभी भी वेक्टर से स्केलर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस उतना मैग्नीट्यूड का वेक्टर मिलता है, उतने मैग्नीट्यूड का वेक्टर मिलता है, तो ये एक नल वेक्टर मिलेगा, ठीक है भाई। आपने a माइनस ए किया तो आपको जीरो जीरो मिलेगा, एग्जैक्ट जीरो मिलेगा, लेकिन a माइनस ए किए तो अब जीरो वेक्टर मिलेगा ना, तो ये जीरो वेक्टर मिलेगा ना कि जीरो मिलेगा, है ना। इसीलिए ये इसका मतलब जरूरत पड़ेगा कि अगर वेक्टर a और b आपस में बराबर हैं तो a माइनस b अब क्या होगा, इधर क्या होगा भाई, दो वेक्टर आपस में बराबर है a माइनस b, तो इधर क्या लिखूं, जीरो लिखूं या जीरो वेक्टर लिखूं? तो मोर एग्जैक्ट और प्रिसाइज है कि इसको जीरो वेक्टर लिखा जाए, ठीक है।